फगवाड़ा दे विच आशू दी हट्टी दा खुला चैलेंज जिथो तुहानू मिलणगे शहर विच सब तो सस्ते रेट ते सूट लहंगे साड़ियां ते प्लाजो। एक बार विजिट जरूर करो आशू दी हट्टी ओपोजिट बस स्टैंड फगवाड़ा। भावे सरकार वालों कोरोना महामारी दौरान काफी हद तक कामकार खोल दिए गए हैं पर फिर भी लोगों का कारोबार पहले की तरह नहीं चल रहा। अजिहा ही कुछ हाल है फगवाड़ा नहीं बल्कि पूरे पंजाब विच मशहूर फगवाड़ा की चौपाटी का जिथे कोई समा सी जदों खड़े होने नूं भी थां नहीं सी मिलती पर हुण कोरोना काल दौरान भावे रेहड़ियां दोबारा लगन लग गई हैं पर लोग पहला वांग इत्थे नहीं आ रहे। जो इस संबंधी रेहड़ी वाले नाल गलबात की गई तो उन्होंने कहा कि काम बहुत घट गया है अते ग्राहक नाम मात्र ही इत्थे आ रहे ने। उन्होंने दस्या है कि रेहड़ियां वाले ने अपने कोरोना टेस्ट भी करवाए हैं जो कि नैगेटिव आए हैं पर फिर भी ग्राहक की कमी लगातार जारी है। असी जिहड़ा इत्थे काम कर रहे हैगे आ ते काम करन दा तरीका बिल्कुल मतलब काम बिल्कुल खत्म आ। लॉकडाउन तो पहला साडा कारोबार बहुत वधिया चलदे सी और इतने इन्ना रस पैंदा सी पूरे पंजाब च साडी चपाटी मशहूर हरगोबिंद नगर चपाटी। मैं अशोक कुमार जूस वाला बोल रहा मैं अपनी ही दास्तान दस रहा है कि चपाटी के की हाल हैगा। लॉकडाउन तो पहला असी जो रेहड़ी खोलते सी अपनी खोलते सार साडे गाहक ना खोलन तो पहले खड़े होंदे सी। अज दी डेट च इहो जिहा हाल आ कि असी रेहड़ी खोल के गाहक नूं ऐ अड़दे आ गाहक कोई नज़र ही नहीं आता देर देर तक गाहक कोई नहीं आता साडा रुजगार बिल्कुल बंद होया वा। जे साडे कस्टमर कोई आउंदा भी आ तो बड़ी देर बाद आउंदा। उस तो बाद असी कुछ दिन पहला करोना टेस्ट भी करा लिया सी कि लोगों को शक सीगा कि करोना ना हो इन्हों चपाटी पूरी दे 70 टेस्ट कराए थे जिद सारे की रिपोर्ट नैगेटिव आई सी। इस करके सारे फिर भी मैं सोचा हूँ काम चल पाऊगा फिर भी नहीं चलिया। जे कुछ लोग आते हैं उन्होंने ज़्यादातर पैकिंग देती है कि पैक करा के लै जाओ खाओ गोलगप्पे टिक्की चाट जो भी आ सारा बहुत चलता सी लॉकडाउन तो पहले। इस टाइम बिल्कुल काम नहीं हरेक रेहड़ी वाला जिहड़ा हैगा दुखी आ रेहड़ियां सारे तुम देख सकते हो एक भी कस्टमर किसी रेहड़ी से नहीं है। आप कह सकते हैं कि जे लॉकडाउन तो पहला इन्ना वधिया काम चलता सी अज डेट से काम बिल्कुल है नहीं हूँ असी अपना रुजगार चलाना बड़ा मुश्किल असी घबराए हैं कि इस तरह साडा काम चलेगा क्योंकि असी बहुत जगह से किराया कुरा भी देना होंदा वा। इस करके किराया जिदा कि मान रखते उत्थे जिते असी रेंदे किराए से जो सा लेबर किराया रही कई किराया कई बिजली बिल देने होंगे लेकिन कारोबार नहीं है बिल्कुल भी तो असी बहुत मन से घबराहट हैगी कि किदा चलणगे। लोग घर के रह के गिज गए बाहर ला जंक फूड खाना छड्या है समझ लो उन्होंने एक मन से वहम भी है दूसरा लोगों हम लोग गिज गए कि घर बना के खाते हैं और बाहर खा के खुश नहीं हो ज़्यादातर। इस तो पहला लोग गिजे ना सी बाहरों ही खाना होंदा सी शाम आ गए इतने रस पैंदा इन्ना कि सानू समान दे नहीं होंदा सी कस्टमर कहिंदा सानू दे दिओ पर साडे को दे नहीं होंदा सी अज डेट साडे कस्टमर है नहीं। दुकाना जिहड़ियां होंदियां 8 बजे बंद होंदियां कोई दुकानदार है साडे को समान लैना होंदा 8 बजे असी बंद हो जाते पुलिस आए नहीं 8 बजे सानू कहा गया 8 बजे एग्जैक्ट बंद होना चाहिए 8 बजे तो दो मिनट तो अभी तुम्हें चुक लेना। इस करके असं 8 बजे पूरे 8 बजे बंद कर चल जाइए दुकानदार भी 8 बजे बंद करता असी भी बंद करते असी तो यही कहते प्रशासन को मंग करते हैं कि साडा जो टाइम बढ़ा के 9 बजे किया जाए क्योंकि जे या तो दुकान तो एक घंटा डिफेंड रखा जाए जो दुकान 7 बजे बंद होंगी है तो साढ़िया 8 बजे बंद हो जो साडा भी 8 बजे उन्होंने भी 8 बजे साढ़ा भी 8 बजे तो दवा आपस टाइम लड़ता क्योंकि दुकानदार ही जो है साडे कस्टमर आ जो अपने घर में समान लै जाते हैं खाने पीने वाला दुकान 8 बजे बंद करके जो इतने आता दुकान इतने चपाटी बंद होंगी है। इस करके टाइमिंग भी थोड़ी डिफेंड किया जाए दुकाना तो थोड़ा जहा डिफेंड किया जाए जो आधा घंटा या घंटा सूँ बताया टाइम जिदा उन्होंने दुकाना 8 बजे बंद होंगे तो साढ़ा 9 बजे बंद हो गए जो उन्होंने 7 बजे बंद होंगे तो साढ़ा 8 बजे बंद हो गए दुकाना तो एक घंटे का डिफेंड किया जाए ये असं प्रशासन तो हाथ जोड़ पुरजो मंग करते हैं। बाकी प्रशासन ने जिस तरह सानू हदायत दिखा असं उन्होंने गाइडलाइन तो पूरी चलाएंगे अभी उन्होंने तय दिल तो धनवाद करते हैं जिन्हें भी प्रशासनिक लोग है सारे का बड़ा धन्यवाद करते हैं। इस टाइम चपाटी का बहुत बुरा हाल है बहुत मुश्किल है सानू रुजगार चलाना रात लेबर के पैसे नहीं होंगे कि देना देने होंगे और रोज़मर्रा कौन का भी होंगे कि दुध लेना की लेना इस करके उन्होंने भी रोज़ देते पैसे होंगे साढ़े दिन पैसे नहीं कम नहीं चल रहा है। फगवाड़ा तो यश शर्मा की रिपोर्ट। जेकर तुम दिमागी कमजोरी तो हो परेशान जिम्मे याददाश्त कमजोर होना डर लगना उदास रहना नींद ना आना या हर समय चिंता विच रहना ता अज ही मिलो डॉक्टर ललित वर्मा नू। पता नोट करो वर्मा आयुर्वेद दवाखाना नाइया वाला चौंक फगवाड़ा। फोन नंबर 98144-6470 98150-6470
हर शनिवार डॉक्टर ललित वर्मा नूं सब्जी मंडी नेड़े पेट्रोल पंप नवां शहर मिलो।